बुधवार को कांट रोड स्थित होटल ग्रांड विलेज में पंजाबी संगठन का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की फाउंडर की अध्यक्षता बीना अरोड़ा, सचिव मोना छावड़ा, कोषाध्यक्ष साक्षी गुंबर सहित सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर जी कुमार, राजेंद्र कौर, उषा ढल, सुषमा धवन, मीनू विज, शीतल चावला, सीमा रानी सिक्का, सुनीता बंडूला, कमल भाटिया तथा रीमा शर्मा मौजूद रहीं। इसके अलावा डॉक्टर सीमा मिठा, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर अंका, डॉक्टर नीरू सिंह मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन मोना छाबड़ा और मीनू विज ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ शंकी ध्वनि के साथ गुरु साहित्य के मूल मंत्र तथा गायत्री मंत्र जाप के साथ किया गया। प्रेसिडेंट बीना अरोड़ा ने सभी डायरेक्टर्स तथा डॉक्टरों को सम्मानित किया तथा पंजाबी महिला संगठन के विषय में जानकारी दी और अपने उद्देश्य तथा आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। कहा कि संगठन का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक सेवा तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी है। सचिव मोना छाबड़ा ने संगठन द्वारा जून के महीने में किए गए सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। सदस्य द्वारा किए गए सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम में मोना छाबड़ा ने सरप्राइज गेम करवाए और शीतल चावला ने फन गेम करवाए तथा साक्षी गुंबर ने तंबोला व उषा ढल ने समयबद्धता का ड्रॉ करवाया। इंदु भाटिया और दिशा सोनी ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में डायरेक्टर्स मीनू विज, साक्षी गुंबर, शीतल चावला, मोना छाबड़ा, सुनीता बंडूला ने बहुत सुंदर अंदाज में नृत्य की प्रस्तुति दी। पुरस्कार के विजेता चारू, शशि भाटिया, राज सोनी, संतोष नारंग, इंदु भाटिया, मीनू कत्याल रही। आखिर में डॉक्टर जी कुमार ने वोट फॉर थैंक्स दिया और शंकी ध्वनि के साथ कार्यक्रम का समापन किया। मेरा नाम वीना अरोड़ा, मैं इस पंजाबी महिला संगठन की संस्थापिका और अध्यक्षा हूँ। आज हमारा यह अभिनंदन समारोह है, हमारी वर्ष की पहली मीटिंग है, इसको आज सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पंजाबी महिला संगठन जो हमने बनाया है, पंजाबी कल्चर और पंजाबी महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए हमने एक कोशिश की कि हम सब लोग मिलके एक उनको ऐसा मंच दें जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सकें। और जो हमारी पंजाबी भाषा का थोड़ा सा मतलब पिछड़ रही है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने परिवारों में अपने बच्चों को थोड़ा पंजाबी सिखाने का जरूर